पूछा है शिव भक्त शिव का ध्यान करते और जानना चाहती हैं भगवान शिव किसका ध्यान करते। मैं चाहता हूँ आप अच्छी तरह समझ लें भगवान शिव जैसा ध्यान करते हैं वही सच्चे अर्थों में ध्यान का अर्थ। ध्यान करने का अर्थ अगर आपकी समझ में आ जाए तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर स्वतः मिल जाएगा। ध्यान का अर्थ होता है पूरी तरह होश पूर्ण होना, आपका कतरा कतरा होश से भर जाए। ये कैसे संभव है? जब आप किसी विशेष वस्तु पर पूरा ध्यान केंद्रित कर देते हैं तब आपका होश केवल उस वस्तु विशेष पर केंद्रित हो जाता है, शेष चीजों के प्रति आप मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। जैसे मैं सिर्फ आपकी तरफ देखने लगूं तो शेष दिशाओं में मेरा देखना असंभव हो जाएगा, यानी शेष सारी दिशाओं के प्रति मूर्छित हो जाऊंगा। इसलिए किसी विशेष व्यक्ति का ध्यान करना या किसी विशेष स्वरूप का ध्यान करने का अर्थ है शेष सारी चीजों के प्रति मूर्छित हो जाना। लेकिन ध्यान का अर्थ पूर्ण समग्र होश में रहना, समग्रता से होश पूर्ण होना। समग्रता से होश पूर्ण होने का एक ही उपाय है बीइंग इन अ स्टेट ऑफ कंटेंटेडनेस कॉन्शियसनेस। आप होश में तो हो, आपके होश के सामने कोई विषय ना हो। जैसे इसे मैं व्यक्त करना चाहूं तो दिया जलता है उसकी रोशनी चारों तरफ फैलती है। ध्यान करने का अर्थ है समग्र रूप से होशपूर्ण होना, यानी उस दिए के सामने कोई विशेष वस्तु नहीं है जिस पर दिए की रोशनी पड़ रही, चारों तरफ रोशनी पड़ रही। लेकिन टार्च की रोशनी एक विशेष दिशा में जाती है, वो एक विशेष बिंदु पर ध्यान केंद्रित हो गया। लेकिन जब आपका होश किसी विशेष बिंदु पर किसी विशेष विषय पर केंद्रित ना हो बल्कि समग्र रूप से होश पूर्ण हो, आपके होश के सामने कोई वस्तु या विषय ना हो, तब आप ध्यान की अवस्था में। और इसी अवस्था में होना ही ध्यान में होना है। जब आप इस अवस्था में होते हैं तब सारा ब्रह्मांड आपके होश को पी लेता है और आपका होश सारे ब्रह्मांड में विस्तृत हो जाता है, आप सारे ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हैं। यू बिकम वन विद द होल यूनिवर्स और सारा ब्रह्मांड ही आपका विस्तार प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव इसी प्रकार की ध्यान की अवस्था में होते हैं। और आप जब सिर्फ किसी स्वरूप विशेष का ध्यान करते हैं यह ध्यान की अवस्था नहीं, ये सिर्फ एकाग्रता है। जैसे टार्च की रोशनी एकाग्रता है, ये ध्यान नहीं है। एकाग्रता ध्यान नहीं है और एकाग्रता से ध्यान की ओर जाना है। धीरे धीरे वो विषय भी गिर जाए और समग्र अस्तित्व समग्र ब्रह्मांड के प्रति आपका होश फैल जाए। इसी को हम कहते हैं ध्यान की अवस्था में होना। जब आप ध्यान की विधियों का प्रयोग करते हैं, चूँकि आप तो 10-5 मिनट के लिए पूजा के लिए भगवान शिव के स्वरूप का स्मरण करते हैं, इससे ज़्यादा आपका पर्पज नहीं है। सारे लोग इसी प्रकार से शिव का ध्यान करते हैं, कोई गुरु का ध्यान करता है, कोई इस देवी का, कोई उस देवता का। ये तो सिर्फ जो एक काल्पनिक चित्र है आपका उसका आप स्मरण कर लेते हैं, ये ध्यान नहीं है। ध्यान का अर्थ किसी देवी या देवता के चित्र पर ध्यान को केंद्रित करना नहीं है। ध्यान का अर्थ है जब आपके चित्त के सामने कोई विषय या कोई वस्तु रही ना जाए। हमेशा आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ।
राम कृष्ण परमहंस माँ काली की पूजा करते थे, उनका ध्यान करते थे, और जब भी उनकी पूजा में उनके ध्यान में बैठते थे तो माँ काली का चित्र उनके सामने उपस्थित हो जाता था, उसी चित्र में डूबने लगते थे और वो चित्र हमेशा ही उनके सामने बना रहता था। उनके गुरु तोतापुरी एक दिन आए और उन्होंने उनसे कहा, कब तक तुम इस प्रतिमा में उलझा रहेगा, आगे बढ़ना है, परमात्मा के अनुभव को पहुंचना है, परम आनंद के अनुभव को पहुंचना है, या यहीं रुके रह जाना है, प्रतिमा तक ही सीमित रह जाना है। अपने गुरु से उन्होंने कहा, नहीं, मैंने अपने को आपके चरणों में, आपके हाथों में समर्पित कर दिया, मुझे आगे ले चले। उन्होंने कहा, अगर तू आगे जाना चाहता है तो जब भी ध्यान में बैठ और काली की प्रतिमा सामने आए तो काली की प्रतिमा के खंड खंड कर दे। जब तक काली की प्रतिमा हटाएगा नहीं, जब तक काली की प्रतिमा सामने से गिराएगा नहीं, तब तक होश की पूर्णता को तू उपलब्ध नहीं हो सकेगा। गुरु ने आदेश दिया कि जब पुनः काली का स्मरण आए तो काली की गर्दन तलवार उठाना और उसी तलवार से काली की गर्दन काट देना। रामकृष्ण परमहंस को बहुत अटपटा लगा, बात उनकी समझ में ना आई, लेकिन गुरु का आदेश था। उन्होंने कहा, अगर तू साधना में आगे बढ़ना चाहता है तो कदम उठा, वरना मैं चलता। रामकृष्ण परमहंस ने पैर पकड़े, उन्होंने कहा, मैं कोशिश करता हूँ। बैठे, माँ काली की प्रतिमा आई, प्रेम के आंसू झरने लगे, उनसे कुछ न किया गया। फिर पूजा से उठे, तोतापुरी उनके गुरु ने कहा कि तुमने किया नहीं, निर्देश का पालन नहीं किया। उन्होंने कहा, मैं करना तो चाहता था लेकिन मैं तलवार लाऊं कहाँ से और किस तलवार से माँ की गर्दन काटूं। तोतापुरी ने कहा, जैसे तुम माँ की प्रतिमा लाते हो, माँ की प्रतिमा तुम कैसे लाते हो? उन्होंने कहा कि मैं माँ की प्रतिमा की सोचता हूँ, माँ की प्रतिमा की कल्पना करता हूँ, कल्पना करते ही आ जाती। तोतापुरी ने कहा, कल्पना में बड़ी शक्ति, जो पूर्णता से कल्पना करता है वो कल्पना साकार होती हुई दिखने लगती। जैसे आप देखती हैं भगवान शिव को ध्यान में, भगवान शिव को कहाँ से लाती? अपनी कल्पना से, अपनी कल्पना से भगवान शिव को लाती हैं। ऐसे तोतापुरी ने कहा, जैसे तू कल्पना से माँ को लाता है वैसे ही कल्पना की तलवार भी ले आ, और उतनी ही तीव्रता से तलवार की भी कल्पना कर, तलवार आ जाएगी। रामकृष्ण चरण छुए, आंख बंद की, माँ की प्रतिमा की कल्पना की, फिर तलवार की कल्पना की, फिर तलवार आ गई। चरण छुए, उन्होंने कहा, गुरुदेव तलवार भी आ गई, माँ की प्रतिमा भी आ गई, लेकिन इतने दिनों से मैंने माँ की पूजा की, इतने दिनों से उसे प्यार किया, ये तलवार मैं माँ की गर्दन पर चला सकूँ मेरे लिए संभव नहीं है। उन्होंने कहा, अब तो अंतिम घड़ी है, अंतिम क्षण है, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो इस कल्पना से स्वयं को मुक्त करना पड़ेगा। और रामकृष्ण, अब तू ध्यान में बैठ, तलवार उठाना और जो निर्देश दिया उस काम को पूरा करना, जैसे ही मैं तुम्हारे माथे पर चोट करूं वैसे ही तुम तलवार उठाना और जिस काम का निर्देश दिया हूं उसे पूरा कर देना। और यही हुआ, कल्पना की तलवार उठाई रामकृष्ण ने, कल्पना की प्रतिमा को उस तलवार से काट दिया और तब पहली बार उनको समाधि का अनुभव हुआ, गहन ध्यान का पहली बार रामकृष्ण को अनुभव हुआ। और तब जब समाधि से उठे तब उन्होंने अपने गुरु के चरण छुए, धन्यवाद दिया उस कृपा के लिए जिससे परम आनंद के रूप में साक्षात परम शक्ति का अनुभव हुआ उन्हें। अब तक तो कल्पना की शक्ति थी, अब परम शक्ति का अनुभव हुआ। परम शक्ति का अनुभव कराने के लिए गुरु को धन्यवाद दिया। ध्यान को साधो, यही ध्यान में होने का अर्थ है।